हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका। आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्रिज फॉर हंगर्स में। फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है, देखिए घर के छोटे मोटे बड़े काम जो होते हैं ये सब तो हमें करने ही पड़ते हैं, लेकिन अगर हम अपने घर के कामों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में करें तो हमारे जो काम है बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स हैक्स हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए इस वीडियो से जरूर आप कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे, साथ ही साथ आपके समय के साथ साथ पैसों की भी बचत होगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सी हमारी पहली टिप्स जो कि बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट और बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड्स, इस तरीके से खाली बॉटल को लेकर के। खाली बॉटल की मदद से हम बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बना करके तैयार कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पे कोई भी बिस्लेरी की हो या तेल की हो, कोई भी आप एक बॉटल ले लीजिएगा, और लेने के बाद से क्या करना है, इस बॉटल को ऊपर के हिस्से से कट कर लेना है आपको, जैसा कि इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे हमने नाइफ़ को गर्म किया और गर्म करने के बाद से ऐसे आधी बॉटल को हम कट कर लेंगे, आधी से भी कम। जो ढक्कन वाला हिस्सा है वो हिस्सा हमको चाहिए, बाकी जो नीचे का हिस्सा है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बॉटल को हमने पूरा आधा कट करके अलग कर लिया है। अब क्या करना है, जो बॉटल का ढक्कन है उस पर हमें छोटे छोटे से होल्स करने हैं। तो यहाँ पे भी चाकू को गर्म करके आप आराम से दो होल्स कर लीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें लेना है एक जूना। तो यहाँ पे हम एक बड़ी वाली सुई लेंगे और उसमें एक मोटा सा धागा डालेंगे, और यहाँ पे एक स्टील वाला जो जूना होता है उसको लेंगे। उसके बाद से क्या करना है, सुई धागा जो हमने इसमें डाला था, धागा बहुत बड़ा नहीं चाहिए, हमको छोटा सा ही चाहिए, और इस तरीके से एक धागे को बाहर को खींच लेंगे। मतलब बेसिकली हमें करना ये है कि जो जूना है स्टील वाला, इसके अंदर हमें धागे को फंसाना है, और उसके बाद सुई की मदद से ऐसे धागे को निकाल लेंगे आगे की तरफ, और जो दूसरा वाला धागा है इसको भी हम, यानी कि जो दूसरा वाला पॉइंट है इसको भी हम इस तरीके से सुई में डालेंगे, और डालने के बाद से इसको भी हम निकाल लेंगे आगे की तरफ से। तो देखिए बस इस तरीके से हमने दोनों धागे को जो हमने होल्स किए थे ऊपर, उसकी मदद से ऊपर निकाल लेंगे। और यहाँ पर एक गांठ एकदम हल्की आपको लगानी है, और दूसरी वाली जो गांठ लगानी है आपको एक टाइट गांठ लगानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों गांठ अच्छे तरीके से लगा ली है। लगाने के बाद से अब चलते हैं सिंक की तरफ। फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों को सिंक क्लीन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनको सिंक में हाथ लगाना बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। बर्तन तो जैसे तैसे धो लेते हैं, लेकिन सिंक का जो खास करके बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको क्लीन करना लोगों को पसंद नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। आपको हमेशा ही इसको क्लीन करना चाहिए। अगर आपको हाथ से छूने में घिन आती हो तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके का जो टूल हमने बना के तैयार किया है इसकी मदद से आप बहुत अच्छी तरीके से सिंक को क्लीन कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इससे सिंक जो है साफ़ हो जा रहा है, और आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये दोनों तरीके से काम आता है। बहुत बार अगर हाथ में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उस टाइम पर भी साबुन को हाथ लगाने का मन नहीं होता है, तो उस टाइम पर भी ये जो टिप्स है बहुत ही काम आएगी आपके। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वाली टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देख लेते हैं अगली टिप्स कौन सी है। अच्छा फ्रेंड्स, कहीं आना जाना हो ट्रैवल में, इस तरीके का जो बड़ा पर्स होता है इसको तो हम सभी लोग कैरी करते हैं, लेकिन कई पर्स में ऐसा होता है कि इसमें छोटी वाली जो चैन होती है की चैन, वो नहीं होती है, यानी कि जो छोटा स्पेस होता है अंदर की तरफ वो नहीं होता है कई पर्सेस में। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप छोटा सा पर्स ले सकते हैं जो इस तरीके का पर्स होता है, इसको आप ले लीजिए, और लेने के बाद से इसको जो बड़ा वाला पर्स है यहाँ पे आप लगा दीजिए। इसके लगाने के दो फायदे होंगे फ्रेंड्स, इसमें आप अपनी छोटी छोटी चाबी वगैरह या एक्स्ट्रा पैसे वगैरह कैरी करना चाहते हैं वो रख सकते हैं, या कोई अपनी ज्वेलरी वगैरह आप रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप इसमें रख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल मिसप्लेस नहीं होगी, कहीं खोने का भी डर नहीं रहेगा, और बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए कोई भी चीज़ हो, कैश वगैरह भी कैरी करना है तो आप इस तरीके से इस पर्स को थोड़ा और अंदर करके लगा दीजिए, और उसके बाद से आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वाली टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देख लेते हैं अगली टिप्स कौन सी है। एक प्रॉब्लम जो फ्रेंड सभी के साथ होता है वो ये होता है कि आपने देखा होगा धीरे धीरे जो सिंक की जो शाइनिंग होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म होती जाती है। जब हम नया सिंक लगवाते हैं उस टाइम पे तो ये बहुत ही अच्छा होता है देखने में, बहुत ही सही लगता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो शाइनिंग होती है, जो चमक होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, एक छोटी सी टिप से अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका सिंक जो है हमेशा ही अच्छे से शाइन करता रहेगा, यानी कि चमचमाता रहेगा और बहुत ही साफ़ रहेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है,
यहाँ पर लेना है आपको एक चम्मच आरारोट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम आपको क्लियर कर देते हैं, अगर आपके पास इस तरीके से आरारोट नहीं है यानी कि कॉर्नफ्लोर अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे एक चम्मच आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, गेहूं के आटे से भी बहुत अच्छे तरीके से सफाई हो जाती है और बहुत अच्छे से सिंक में क्लीनिंग, एकदम सिंक क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉर्नफ्लोर था तो हमने इसको ले लिया है और लेने के बाद से देखिए इस तरीके से इसको साफ़ करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी साबुन वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, और अगर नहीं है आपके पास कॉर्नफ्लोर तो यहाँ पे आटे का भी ऑप्शन है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमने देखिए बहुत अच्छे तरीके से सिंक को साफ़ कर लिया और देखिए कितना वाइट वाइट सा ये हो गया है। तो अब मैं आपको इसको वॉश भी करके दिखाती हूँ कि पहले से ये कितना साफ़ हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छी टिप्स है फ्रेंड्स, हर कोई इसे यूज़ कर रहा है, आप भी एक बार इसको ज़रूर से यूज़ करके देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं अगली टिप्स कौन सी है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे किचन टिप्स अदर रेसिपी टिप्स हमेशा आप लोग के लिए लेकर के आते रहते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अच्छा, हमने यहाँ पे एक कप जितना पानी रखा है और इसमें हमने डाली है थोड़ी सी अजवाइन। ये क्यों किया है फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मतलब अक्सर लोगों को हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग जब मॉर्निंग में ब्रश करते हैं तो उनके दांतों से खून आता है, कुछ लोगों को पायरिया की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को दांतों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो कुछ भी ठंडा या गर्म खाते हैं तो बहुत ज़्यादा झिझनाहट सी लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो एक छोटी सी होम रेमेडी है, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और इसका बेनिफिट आपको तुरंत ही पता भी चल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने एक गिलास इतना पानी लिया है, इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाला है और इसी के साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा सोडा, थोड़ा सा सोडा डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे काला नमक। सिर्फ ये तीन चीज़ों को डालिए और इसको अच्छी तरीके से बॉईल होने दीजिए। जब ये बढ़िया से बॉईल हो जाए तब आप इसको आप एक गिलास में छान लीजिए और छानने के बाद से जब ये नॉर्मल जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तब आपको इससे करना है कुल्ला। इसको कुछ देर के लिए मुंह में लेना है, थोड़ी देर उसको होल्ड करना है, उसके बाद से फिर आपको ये कुल्ला कर देना है। तो इस तरीके से अगर इस पानी से आप थोड़ा कुल्ला करेंगे तो इससे आपको ये दांतों में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। कुछ देर के लिए इस रेमेडी को मुँह में रहने दीजिएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप्स है, आप यूज़ करके देखिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अच्छा, बहुत बार क्या होता है आपने देखा होगा, खास करके लेडीज़ लोग के साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, जब भी हम सर में ऑयलिंग करते हैं यानी कि जब भी हम सर में तेल लगाते हैं तो हमें एक जो टेंशन होती है जो सबसे ज़्यादा होती है कि जो हमने तेल लगाया सर में वो तकिए में लग जाएगा और इसका कवर जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो ऐसे में कई बार अगर हम कुछ भी नहीं रखते हैं तो जाहिर सी बात है कवर जो है गंदा हो जाता है और तेल के निशान जो है वो बिल्कुल भी जाते नहीं है, उसको आप कितना भी वॉश कर लीजिए। तो अगर आपके साथ भी ये दिक्कत होती है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको कोई भी अपना एक पुराना सूट ले लेना है। अगर आपके पास सूट है तो ठीक है, वरना कोई टी शर्ट वगैरह भी चलेगी जो पुरानी हो, उसको आप ले लीजिए। और लेने के बाद से क्या करना है, तकिए को इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद से जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको आपको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देना है और जो इसके बाजू है इसको भी अंदर की तरफ कर देना है। अब इसके वजह से क्या होगा फ्रेंड, जितना भी ऑयल वगैरह होगा सर में वो जो भी लगेगा वो जो बेकार कपड़ा है उसी पे लगेगा। इससे क्या है, तकिए का जो कवर है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और आपका तकिया एज इट इज़ रहेगा। तो ये भी बहुत अच्छी टिप्स है फ्रेंड, ज़रूर से आजमाइएगा। और कैसी लगी आज की किचन टिप्स अदर यूजफुल टिप्स प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।